नमस्कार किसान भाइयों, कुछ किसान साथी मुझसे एक सवाल कर रहे थे कि जो अश्वगंधा आपने लगाई थी उसका उत्पादन क्या रहा और वो क्या रेट में बिकी। किसान भाई, उस समय मैंने इसका वीडियो भी नहीं बनाया जब मैंने अश्वगंधा निकाली थी और मार्केट में बेची थी, उस समय का मैंने वीडियो भी नहीं बनाया क्योंकि किसान भाई उस समय मेरी माँ थी, वो बहुत बीमार थी। उनको पहले हार्ट का सर्जरी हुआ था, बाईपास सर्जरी उनकी हुई थी, उसके बाद में उनको लकवा आ गया, पैरालिसिस उनको हो गया। तो लगातार मैं हॉस्पिटल में रहा जिसकी वजह से मैं इसका वीडियो भी नहीं बना पाया और जल्दबाजी में ये सब कुछ हो गया। और जो मेरे पिताजी थे घर पर जो लोग थे उन्होंने ही अश्वगंधा मजदूरी से निकलवाई और कम सस्ते में ही उन्होंने जो अश्वगंधा है वो बेच दी। हमारे से 10-12 किलोमीटर ही होलसेल की दुकान थी, वहीं पर उन्होंने पूरी अश्वगंधा को बेच दी और जो भूसा था उसका वो ऐसे ही पड़ा था जो बरसात में खराब हो गया। तो किसान भाइयों, जो मैंने अश्वगंधा लगाई थी वो 4 एकड़ में थी और लगभग 18 क्विंटल और 40 किलो वो हुई थी, 18 क्विंटल 40 किलो हुई थी और वो 32,700 रुपये क्विंटल उसका भाव उन्होंने जो मोटी जड़े थी जो बारीक जड़े थी राउंड फिगर उन्होंने 32,700 का भाव उन्होंने लगाकर वो हमने बेच दी थी। और उस समय मैं था नहीं, मैं तो हॉस्पिटल में था और पिताजी ने ही अश्वगंधा को निकलवा कर जड़ों को कटवा कर मजदूरों से बेच दी थी। तो जो मेरा एवरेज रहा वो लगभग 4.5 क्विंटल प्रति एकड़ का एवरेज रहा क्योंकि जो मेरी अश्वगंधा थी वो बहुत सी बरसात की वजह से ख़राब भी हो चुकी थी और कमज़ोर भी हो गई थी। लगातार हमारे यहाँ बरसात बहुत तेज़ी से हुई थी और बार बार बरसात हो रही थी, उसकी वजह से फसल ख़राब भी हो गई थी। तो एवरेज थोड़ा कम निकला और भाव भी एवरेजन थोड़ा औसतन भाव भी उसका कम ही मिला। अगर उसको नीमच मंडी में अगर बेचते तो आराम से 37-38 हज़ार रुपये उसका भाव मिल सकता था, लेकिन जल्दबाजी में ही पूरे काम हुए इसके लिए थोड़ा हमें नुकसान भी हुआ। लेकिन फिर भी जो ट्रेडिशनल फसलें हैं, पुरानी फसलें, उसके मुकाबले में तो कुछ अच्छा प्रॉफिट अश्वगंधा से मुझे मिला। और अभी भी लगभग 1 क्विंटल जो अश्वगंधा की जड़ें हैं वो अभी मैंने उखाड़ी है, आज ही कुछ तो आज ही निकाली है और जो बाकी मैंने छोड़ दी थी जो उस समय थोड़ी छोटी थी वो आज मैं निकाल रहा हूँ। ये देख सकते हो आप, ये जो जड़े थी वो 1.5 महीने पहले पतली पतली थी, एकदम छोटी जड़े थी, तो आज सुबह ही मैंने इनको निकाला है और आप देख सकते हो कितनी ये सफ़ेद है ये, और जड़े भी इनकी काफ़ी लंबी लंबी जड़े हैं और अच्छी खासी मोटी हो गई है, अंगुली जितनी मोटी तो हो गई है। ये देखिए, ये ज्वार 20 की अश्वगंधा है और इन पर जो बीज लगा है वो भी पूरा पक चुका है, बीज भी इनका पूरा पक चुका है। ये देखिए, बीज भी इन पर अच्छा खासा पका हुआ है, पूरा बीज इन पर जो बीज इन पर जो लगा हुआ है वो पूरा सूख गया और पूरा पक गया है। जड़े भी इनकी देखिए काफ़ी लंबी और मोटी जड़े हो गई है जो उस समय पतली थी, और लगभग 1 क्विंटल से ऊपर ही ये लगभग हो जाएगी। अभी बहुत सारी लगी हुई है और मैं अभी इसको निकाल रहा हूँ। तो किसान भाई, अश्वगंधा की फसल बहुत ही प्रॉफिटेबल फसल है, लगाइए आप भी, और ज़्यादा नहीं तो प्रति एकड़ से कम अगर मानकर चलिए तो कैसी भी परिस्थिति में 4 क्विंटल प्रति एकड़ से आराम से निकल जाती है। और भाव भी अगर इसका कम ज़्यादा अगर मान के चले तो 25,000 का भाव आपको आराम से मिल जाएगा, जो बाकी ट्रेडिशनल जो पुरानी हमारी फसलें हैं उनसे कहीं अच्छा भाव आप लोगों को मिल जाएगा। और लगभग 10-12 रुपये किलो के हिसाब से इसका जो ऊपर का ये भूसी है ये भी आप लोगों का बिक जाएगा और इसका जो बीज है वो आपको फिर से खेती के लिए काम में आ जाएगा। तो किसान भाई, अश्वगंधा की जो खेती है बहुत ही प्रॉफिटेबल खेती है और अगले साल आप जब जून जुलाई में इसकी खुद नेक्स्ट खेती होगी तो आप ज़रूर अश्वगंधा की खेती लगाइए। और आप लोगों को बीज की अगर ज़रूरत रही तो बीज में आप लोगों को अच्छा पका हुआ बीज उपलब्ध करवा दूंगा बहुत ही कम रेट में। तो आप लोगों को जब बीज की ज़रूरत रहे, आप लोगों की इच्छा हो कि हम भी अश्वगंधा लगाएं तो आप ज़रूर बताइएगा, आप लोगों की मैं पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों को बीज भी उपलब्ध करवा दूंगा और जानकारी भी आप लोगों को पूरी उपलब्ध करवा दूंगा कि कैसे आपको इसकी खेती करनी है, कहाँ इसको बेचना है, हर चीज़ आप लोगों को मैं बता दूंगा जिससे आप लोगों को नुकसान लगने का कोई चांस
नहीं बचेगा। धन्यवाद।